पर आज के समय में अगर हम देखें द वायर जैसे कुछ फेक मीडिया चैनल हैं जो दुर्गा को देवी ना मानकर एक प्रोस्टिट्यूट की तरीके से दिखाते हैं। JNU जैसे विश्वविद्यालयों के अंदर महिषासुर शहादत दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वहां पर दुर्गा देवी का अपमान किया जाता है। कई बड़े बड़े नैरेटिव चलाए जा रहे हैं जिनका कोई बेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। 7वीं शताब्दी के कश्मीर को देखकर अगर हम आज के कश्मीर को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और फिगर के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें बताएंगे कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन किस प्रकार का था, क्योंकि आज जो हमें इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें ना तो इस प्रकार के फैक्ट्स को बताया जाता है ना तो पढ़ाया जाता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम एक चाइनीज राइटर की किताब और उस किताब का नाम है द लाइफ ऑफ ह्यूआन त्सांग, इस किताब से हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे देश के अंदर बायकॉट चाइना नाम का एक मूवमेंट चल रहा है और मैं चाइनीज राइटर की किताब से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर हम अपने देश के जो रिस्पेक्टेड इतिहासकारों और पुरातत्ववादियों की किताब और उनकी रिसर्च को अगर हम कोट करते हैं तो लोग कहने लगते हैं ये तो संघी है, ये तो अंधभक्त है। इसीलिए इस बार दोस्तों हम ऐसे बाहर के जो इतिहासकार हैं, जो फॉरेन के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इंडिया को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी किताबों में इंडिया के बारे में लिखा है, तो हम एज इट इज़ उनकी किताबों को आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। तो ये जो किताब है दोस्तों द लाइफ ऑफ ह्यूआन त्सांग, इस किताब के अंदर जो ह्यूआन त्सांग के बारे में बताया गया है और इसके साथ एक और चाइनीज फिलोसोफर उनका नाम इटसिंग है, जब ये दोनों व्यक्ति 7वीं शताब्दी के समय भारत में आते हैं तो उस समय का भारत कैसा था, वहां पर क्या सिस्टम हुआ करता था, इस किताब के अंदर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले इस किताब को शमन हुईली नामक एक चाइनीज व्यक्ति ने इसको चाइनीज भाषा में इसका अनुवाद किया था। शमन हुईली खुद ह्यूआन त्सांग के एक शिष्य थे। उसके बाद सैमुअल बिल नामक एक व्यक्ति ने, जो कि चाइनीज फिलोसोफर है और चाइनीज प्रोफेसर भी है, उसने इस बुक को अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि 630 ईस्वी के समय में चाइना से भारत आना इतना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि आपको जो है जावा सुमात्रा स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से होते हुए एक बहुत लंबी यात्रा करनी है। आपको यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के रेगिस्तान को पार करना है, हड्डी को गला देने वाले बर्फीले रास्तों को पार करना है, रास्ते में चोरों और लुटेरों से अपनी जान को बचाते हुए आगे बढ़ना है, अनेकानेक नए राज्यों को आपको पार करना है। इतना जोखिम लेकर, अपने जान को जोखिम में डालकर भला ये चाइनीज स्कॉलर और फिलोसोफर इंडिया क्यों आते थे? इस किताब के पेज नंबर 27 में ह्यूआन त्सांग इंडिया आने के अपने पर्पस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि चाइना में हमारा जो रिलीजन के बारे में हमें उतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं थी, हमारे जो शास्त्र थे, हमारे जो टेक्स्ट थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनकी स्थिति बिल्कुल खराब थी, सबके मन में अनेक प्रकार के डाउट थे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ह्यूआन त्सांग बता रहे हैं, मैंने अपने लाइफ के ऊपर रिस्क लिया और इंडिया में आकर इन सारे प्रश्नों को ढूंढने का मैंने प्रयास किया। ह्यूआन त्सांग की इन बातों को सुनकर हमें ये समझ में आता है कि दुनिया की दूसरी सभ्यताओं के अंदर भारत को लेकर कितना ज्यादा आकर्षण था। भारत में आकर ज्ञान लेने के लिए लोग अपने जान को भी जोखिम में डालने को तैयार थे। 664 में ह्यूआन त्सांग की मृत्यु के बाद एक और चाइनीज फिलोसोफर जिसका नाम इटसिंग था, वो ह्यूआन त्सांग के 37 डिसाइपल्स को लेकर समुद्री मार्ग से भारत आने का प्रयास करता है। वो कैंटन से होते हुए सुमात्रा के रास्ते कोस्ट ऑफ वर्मा से होते हुए ताम्रलिप्ति नामक एक जगह पर पहुंचता है। दोस्तों, जो ताम्रलिप्ति है करंट समय में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अभी इसका नाम बदलकर तमुल्क रख दिया गया है। इटसिंग जब ताम्रलिप्ति पहुंचता है तो वहां पहुंचकर उसे वराह देव का एक अत्यंत विशाल और पुराना मंदिर दिखता है। यह मंदिर साधारण मंदिर नहीं था। इस मंदिर के अंदर देश विदेश से आने वाले जितने भी स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे, ट्रैवलर्स थे, वो यहाँ रुकते थे, 10 साल 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करते थे संस्कृत भाषा में परफेक्ट होने के लिए, क्योंकि अगर आपको भारत की ज्ञान सभ्यता के साथ अगर आपको मिलना जुलना है तो आपको संस्कृत भाषा आनी अति अनिवार्य है। ना सिर्फ ये स्कॉलर संस्कृत भाषा को सीखते थे बल्कि अपने ज्ञान को पूर्ण करने के बाद अपना नाम भी बदलकर संस्कृत भाषा के ऊपर रख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल द शमन ह्यू च्यू, इन्होंने संस्कृत भाषा सीखने के बाद अपना नाम प्रकाशमती रख लिया। ताओ ह्यू, इन्होंने संस्कृत भाषा सीखने के बाद अपना नाम श्री देवा रख लिया। ह्यूआन ताई, जो कि कोरियन स्कॉलर थे, इन्होंने संस्कृत भाषा सीखने के बाद अपना नाम सर्वज्ञान देवा रख लिया। चूंकि 7वीं शताब्दी के समय
भारत में बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पे था, इसीलिए बाहर से आने वाले जितने भी स्कॉलर्स थे वो अधिकतर बुद्धिज्म को सीखने के लिए आते थे। बट उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आपको बुद्धिज्म भी सीखना है तो उसके लिए आपको संस्कृत भाषा आनी अति अनिवार्य है। इससे हमें पता चलता है कि जो संस्कृत भाषा है वो 7वीं शताब्दी के समय कितनी फलफूल रही थी, उसका कितना एक विकसित इतिहास था। पर कुछ खच्चर मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं, कुछ चिरकुट तरीके के जो व्यक्ति हैं, वो अक्सर ऐसा बताते हैं कि भाई संस्कृत तो बिल्कुल 500 साल पुरानी भाषा है, ये बिल्कुल नई भाषा है, इसका कोई इतिहास नहीं है। इस प्रकार से संस्कृत के ऊपर अनेक प्रकार से फेक प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, ताकि अगर एक बार अगर आपने संस्कृत को डिस्क्रेडिट कर दिया तो संस्कृत भाषा में स्थित जितने भी हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास हैं, एक झटके में वो काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे। पर भला हो इस चाइनीज व्यक्ति का जो कि 1500 साल पहले आकर ये बता देता है कि संस्कृत भाषा का एक विकसित इतिहास था। एनसीईआरटी की किताबों में और अपने आप को कुछ सो कॉल्ड स्कॉलर बताने वाले कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि भाई पूरा का पूरा जो बौद्ध मत है वो तो पाली भाषा में है और जो संस्कृत भाषा जो है वो तो सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है। पर ये जो सैमुअल बील है जो कि चाइनीज फिलोसोफर है और चाइनीज प्रोफेसर है, ये अपनी किताब में बता रहा है कि नहीं साहब, 43 ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बुद्धिज्म सीखने के लिए आते हैं, उनका नाम फला फला है, इस तारीख को आते हैं, इस देश से आते हैं, वो बुद्धिज्म सीखने से पहले उनको संस्कृत भाषा सीखनी पड़ती है। इसके बाद इस किताब के पेज नंबर 75 में बताया गया है कि हियान सांग भारत की यात्रा करते करते कश्मीर में पहुंचते हैं। कश्मीर में पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात वहां के ब्राह्मणों से होती है जो कि वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में, स्पेशली प्रणय मूल और शत शास्त्रों के अध्ययन में बिल्कुल पारंगत थे। जब पूरे शहर के लोगों को यह पता चलता है कि उनके शहर के अंदर एक चाइनीज भिक्षुक आए हुए हैं, तो पूरा शहर उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ता है। सभी लोग अनेक प्रकार के उपहार को लेकर उनका सम्मान करते हैं। ये देखकर हमें समझ में आता है कि जो भारतीय समाज था वो दूसरे मतों का भी सम्मान करने में कितना आगे था। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामय में विश्वास करने वाला था। 7वीं शताब्दी के कश्मीर को देखकर अगर हम आज के कश्मीर को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है। स्वयं हियान सांग 1 महीने कश्मीर में रुककर वहां पर शद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कश्मीर के बाद हियान सांग नॉर्थ इंडिया की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मथुरा को पार करने के बाद वो गंगा नदी की पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और मतिपुर नामक एक राज्य में पहुंचते हैं। इस राज्य में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां का राजा एक शूद्र जाति से है और वहां पर करीब 800 से ज्यादा प्रीस्ट हैं, 10 से ज्यादा मॉनेस्ट्री हैं। इससे हमें समझ में आता है दोस्तों कि आज से 1500 साल पहले भारत के अंदर वर्णाश्रम सिस्टम पूरी तरीके से कार्य कर रहा था। लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के हिसाब से उनको राजा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र बनाया जाता था, ना कि जन्म के हिसाब से। इसके बाद वो यात्रा करते करते अयोध्या जा पहुंचते हैं। अयोध्या जाने के बाद वो करीब 100 से ज्यादा मंदिरों को देखते हैं, हजारों की संख्या में वहां पर प्रीस्ट को देखते हैं और बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों शोरों से वहां पर हो रहा था। पर उन्हें वहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं दिखती है। उन्हें वहां पर 100 मंदिर दिखते हैं पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं दिखती है। उसके बाद हियान सांग का सामना कुछ समुद्री डाकुओं से होता है। ये समुद्री डाकू जो हैं वो दुर्गा देवी के उपासक थे और दुर्गा देवी की भक्ति करते थे। इससे हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि आज से 1500 साल पहले करीब 7वीं शताब्दी के अंदर भारत में दुर्गा देवी का अस्तित्व था, लोग उनकी उपासना करते थे, उनकी भक्ति करते थे। पर आज के समय में अगर हम देखें, द वायर जैसे कुछ फेक मीडिया चैनल हैं जो दुर्गा को देवी ना मानकर एक प्रोस्टिट्यूट की तरीके से दिखाते हैं। JNU जैसे विश्वविद्यालयों के अंदर महिषासुर शहादत दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वहां पर दुर्गा देवी का अपमान किया जाता है। पर भला हो फिर से इस चाइनीज मानुष का जिसने हमें यह बता दिया कि 1500 साल पहले भी देवी दुर्गा का सम्मान होता था और उनकी भक्ति की जाती थी और द वायर जैसे फेक मीडिया चैनल को एक्सपोज कर दिया। इस किताब के पेज नंबर 106 में बताया गया है कि किस प्रकार से हियान सांग यात्रा करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात शीलभद्र नामक एक व्यक्ति से होती है और शीलभद्र के माध्यम से ही हियान सांग योग शास्त्र, हेतु विद्या और शब्द विद्या की शिक्षा लेते हैं। इतना ही नहीं, हियान सांग कई प्रकार की ब्राह्मणों की भी किताबों का अध्ययन करते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि उन्होंने पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखी गई व्याकरण की किताबों का भी अध्ययन किया जिसके अंदर 8000 से ज्यादा श्लोक थे। पाणिनि ऋषि उस समय गंधार के अंदर रहते थे और आज बड़े दुख के साथ देखना पड़ता है कि उसी गंधार में तालिबान राज्य कर रहा है। इस किताब के
पेज नंबर 113 में बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से शिक्षा लेने आए हुए अनेक विद्यार्थियों और शिक्षकों के भोजन के इंतजाम के लिए आसपास के 100 गांवों को टैक्स फ्री कर दिया गया था। हर गांव के अंदर रहने वाले करीब 200 परिवारों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को खाद्य पदार्थ सप्लाई करेंगे। दोस्तों, इससे हमें समझ में आता है कि 7वीं शताब्दी के समय भारत के अंदर जितने भी गुरुकुल थे, जितने भी विद्यालय थे, वो वहाँ आसपास के रहने वाले गांव वालों के द्वारा ही मैनेज किए जाते थे। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था। शिक्षा का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं था, मोटी मोटी फीस लेना नहीं था, बल्कि शिक्षा का वास्तविक पर्पस लोगों को शिक्षित करना था। हियान सियांग जब मगध के आसपास यात्रा कर रहे थे तो यशतिवाना नामक एक पर्वत पर उनकी मुलाकात जयसेन नामक एक क्षत्रिय से होती है। हालांकि जयसेन तो क्षत्रिय थे, पर अपने स्वभाव के हिसाब से इनकी रुचि वैदिक शास्त्रों में बहुत ज्यादा थी। इन्होंने हेतु विद्या, शब्द विद्या, चार वेदास, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस, इन सारी किताबों का अध्ययन कर रखा था। हमें यह भी समझ में आता है कि कुछ खच्चर और कुछ गोबर बुद्धि वाले लोग अक्सर कहा करते थे कि भाई वेद वेद तो थे ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों के द्वारा रचा हुआ झूठ है, वेद तो होते ही नहीं थे। पर भला हो इस चाइनीज मनुष्य का जो हमें ज्ञान देकर चला गया कि भाई आज से 1500 साल पहले अपनी भारत यात्रा के समय जब ये घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो कि चार वेदास को पढ़ा हुआ था। हमें यह भी समझ में आता है कि आजकल कुछ लोग ऐसे भी तर्क देते हैं कि भाई छह नाम का शब्द तो था ही नहीं, ये क्षत्रिय तो बनाया हुआ झूठ है। पर हमें प्रूफ मिलता है कि भाई पहले क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे और प्रॉपर वर्णाश्रम सिस्टम भी था। अगर हम इस प्रकार से भारत के रियल इतिहास को पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि आज की डेट में कई बड़े बड़े झूठ चलाए जा रहे हैं, कई बड़े बड़े नैरेटिव चलाए जा रहे हैं जिनका कोई बेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें यह भी समझ में आता है कि जो भारत का जो रियल इतिहास है उसको किताबों में, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, इसको दबा दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए जो भारत के रियल इतिहास को जानने से वंचित रह गया है। इसलिए दोस्तों, हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि आगे हम इस प्रकार की वीडियोस की कई सीरीज को हम आगे बनाएं। इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्लीज फाइनेंशियली सपोर्ट भी जरूर करिए ताकि हम इस प्रकार की वीडियोस को और बना सकें। आप हमारे मर्चेंडाइज वीआर मिसफिट को विजिट कर सकते हैं और इस प्रकार की डिजाइन की हुई इंडिक टी-शर्ट को आप परचेस कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।